नमस्कार दगड़ियों, मैं किरण और आज तुम्हें सामने बैठी लिबटी आ रही आलू परोंठ बनाने विधि। अगर तुमको यह विधि सही लागे तो इके तुम आनंद लिया और आगे ना पू यह वीडियो को शेयर करने कोशिश करिया। आप सभी लोगों के मेरे बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज नए ब्लॉग के साथ मिल रहे हैं सुबह सुबह। आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। आज हम बना रहे हैं आलू के पराठे। देखिए कैसे बनाते हैं आलू के पराठे। हमने सारा ये सामान तैयार किया हुआ है आलू के पराठे बनाने के लिए। आलू बॉईल कर दिए हैं, हरी मिर्च और धनिया सब काट के रखा है। अभी इसमें हम धनिया हरी मिर्च डाल देते हैं, काट कूट के सारा रखा हुआ है। ये है आपका अजवाइन। अजवाइन आप जब कभी भी डालें थोड़ा हाथ से ऐसे मसल लें, क्योंकि उसमें थोड़ा खुशबू अच्छी आती है। हल्दी, नमक, धनिया और कलर आने के लिए आप थोड़ा बहुत लाल मिर्ची भी डाल सकते हैं। अब इसको अच्छे से मैश करिए और इसका बना दीजिए डो। डो बनाते ही फिर आपको गरम गरम आलू के पराठे खिलाएंगे आज। यहाँ पे मेरे पतिदेव बना रहे हैं चटनी। ये लहसुन वसुन पीस रहे हैं, उधर देखो क्या क्या कर रहे हैं। अभी इनका सामान भी दिखाना और मैं बना रही हूँ पराठे। सुबह से शाम तक ये काम करते रहते हैं और अगर मेरे को सुबह सुबह एक टाइम चाय पिला दी तो उसको पूरा दिन भर आप उसको लाइव टेलीकास्ट देख सकते हो कि दिन भर वो रिपीट होते रहेगा। फिर तेरे को सुबह मैंने 2 बार चाय पिला दी। अभी तो अब बन रही है, अब आज चटनी खिला रहे हैं। देखो चटनी खिलाने की तैयारी हो रही है। आज चटनी बना रहे हैं, अब देखो कब तक गाएंगे। काम तो ये बहुत करते हैं, पूरा दिन रात लगे रहते हैं मेरे पीछे पीछे साथ में। जहाँ जहाँ मैं किचन में जाऊँगी किचन किचन में आ जाते हैं, और अगर मैं झाड़ू लगा दे तो पीछे पोछा लेके आ जाते हैं। तो कहीं पतली ना हो जाए, छोड़ मैं ही करता हूँ। अभी बन गए आलू के पराठे, देखो आप सभी लोग। बनाने मेरे को आते नहीं है लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ। इतने अच्छे से नहीं आते हैं, फिर भी इंसान को कोशिश करना चाहिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। जैसा भी हो रहा है अपना लगे रहो सुबह से शाम तक। लेकिन इनका प्याज व्याज काटने का तरीका मेरे को बहुत पसंद आया। देखो काम बड़ी स्पीड से करते हैं। अब देख सकते हैं ये अलग अलग फेस भी बना के आपको दिखाएंगे। इतना टैलेंट है, भर भर के टैलेंट है इनमें। काम के साथ साथ ये तुम्हें पूरा दिन हंसाते रहेंगे, तो इससे आपको काम करने में थकान भी महसूस नहीं होगी। क्योंकि ये कभी बंदर बन जाते हैं, कभी भालू बन जाते हैं। ये देखो आपको काम की थकान बिल्कुल नहीं होगी। तेल चटनी बना रहा हूँ, तेल दे दे। दिमाग है बंदर पे। और जब से ये गांव से आए हैं तब से इनका काम में ज्यादा ही मन लगा हुआ है। पता नहीं वहां का हवा पानी ऐसा है क्या है। कलर भी इनका बहुत, मतलब
ऐसा हो गया, स्क्रीन बिल्कुल फेयर हो गई है आजकल, गांव गांव से आने के बाद चमक रहे हैं। अगर मुझे अंधेरे में कुछ सामान लेना होता है, वहां अंधेरा हो रखा है और मैं सामान देख नहीं पा रही, तो मैं इनका फेस लेके जाती हूँ वहां पे। जब वहां पे उजाला होता है फिर मेरे को सामान दिखाई देता है। हाँ, कि सामान यहीं पे है, इसलिए मेरे आगे पीछे घूमते रहते हैं। मौसा जी कैसा लग रहा है? बहुत टेस्टी हो रहा है, काफी किसने टेस्टी। बनाया? किरण नकोलिया ने। किरण नकोलिया? किरण नकोलिया कौन है? मैं शैनी। शैनी? शैनी का मतलब क्या होता है हिंदी में समझाइए दर्शकों को, क्योंकि सभी लोग आ रहे हमारे उत्तराखंड में। चुनाव में शैनी को बोलते हैं पत्नी, यानी मेरी पत्नी ने बनाया है। हाँ, कैसे बनाया पत्नी ने? बहुत टेस्टी बनाया है, मक्खन घर में बना रखा है, मक्खन बहुत टेस्टी हो रहा है।